विकास दुबे ने मुठभेड़ में बचने का बनाया था पूरा प्लान। महाकाल मंदिर के 10 सीसीटीवी कैमरे खोलेंगे राज। आज तक के पास महाकाल मंदिर का एक सीसीटीवी फुटेज सरेंडर से पहले हर कैमरे में दिखा विकास दुबे। विकास दुबे ने महाकाल मंदिर के हर सीसीटीवी कैमरे में खुद को कैद करवाया। हर गार्ड के सामने लेकर जाता था पर्ची। यूपी पुलिस ने ग्वालियर के रहने वाले ओम प्रकाश पांडे और अनिल पांडे को किया गिरफ्तार। सोनू और शुभम दुबे को घर में छिपाने का आरोप। विकास दुबे मुठभेड़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल। एनआईए या सीबीआई से जांच की मांग। गैंगस्टर अतुल दुबे की शादी के वीडियो में दिखा विकास दुबे, बताई जा रही है आखिरी तस्वीर। शादी समारोह में डांस करता दिख रहा है विकास दुबे, अमर दुबे भी साथ। विकास दुबे के गांव में अभी तनाव, पुलिस करा रही है मुनादी। पुलिस का ऐलान, लूटे हुए हथियार हैं तो जमा करा दो, नहीं तो होगी सख्त कार्रवाई। विकास दुबे के गांव में आरएफ की तैनाती, सख्त पहरा। विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद उसकी संपत्ति की जांच, ईडी ने यूपी पुलिस से मांगी जानकारी। विकास दुबे के रिश्तेदारों और सहयोगियों की संपत्ति का भी मांगा ब्यौरा, आपराधिक केस की भी मांगी गई जानकारी। विकास दुबे के नाम से लखनऊ में दो बड़े मकान, पत्नी ऋचा दुबे से पुलिस ने कई मामलों में की पूछताछ। विकास दुबे का सबसे विश्वस्त फाइनेंसर था जय वाजपेयी, उसी के जरिए थाईलैंड और दुबई में किया निवेश। पुलिस के मुताबिक नोटबंदी के पहले 6,30,00,000 रुपए नकद को चलाया था सूद पर। जय वाजपेयी ने सूद के पैसे 5% ब्याज पर बाजार में लगाया। विकास दुबे का बड़ा बेटा विदेश में करता है एमबीबीएस की पढ़ाई, कल रात लौटा है लखनऊ। विकास दुबे का बड़ा लड़का आकाश अपनी दादी से मिलने पहुंचा। विकास की मां सरला ने कहा था नहीं जाना चाहती कानपुर। विकास दुबे की पत्नी के भाई को भी यूपीएसटीएफ ने किया रिहा, शहडोल से लिया था हिरासत में। विकास दुबे की पत्नी ऋचा ने कहा पुलिस ने जो किया ठीक किया, मीडिया पर निकाला अपना गुस्सा। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा और कांग्रेस के दूसरे नेता पहुंचे उज्जैन, मंत्रोच्चार के साथ किया गंगा जल का छिड़काव। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, नौगांव सेक्टर में दिखे थे संदिग्ध। सेना के जवानों ने की फायरिंग, दो घुसपैठ के ढेर। पूरे इलाके की घेराबंदी, मौके से मिले दो AK-47 और कई हथियार। अरुणाचल प्रदेश के तिराप जिले में NSCNIM के 6 उग्रवादी मारे गए, हथियार जब्त। ऑपरेशन में असम राइफल्स का एक जवान जख्मी, सुबह 4:30 बजे हुई थी मुठभेड़। देश में कोरोना की तेज रफ्तार, कुल मामले 8,20,000 के पार। 24 घंटे में अब तक सबसे ज्यादा कोरोना मामले, 27,100 से ज्यादा बढ़े हैं केस। 24 घंटे में 519 लोगों की मौत, अब तक कोरोना से 22,000 से ज्यादा लोगों की जा चुकी है जान। देश में फिलहाल 2,83,000 से ज्यादा एक्टिव केस, 5,25,000 से ज्यादा लोग हो चुके हैं स्वस्थ। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में करीब 2100 नए मरीज, 1,09,000 के पार पहुंचे कुल मामले। WHO ने की धारावी मॉडल की तारीफ, कहा अच्छे प्रयास से मुंबई के झुग्गी झोपड़ी वाला इलाका कोरोना फ्री के करीब। WHO के महानिदेशक टेड्रोस घेब्रेयेसस ने कहा ट्रेसिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट से काबू में आया कोरोना। Even in the Harvey, a densely packed area in the mega city of Mumbai. मुंबई में भी हालात खराब, कुल केस 90,000 से ज्यादा, 5,200 लोगों की जान गई। महाराष्ट्र में 24 घंटे में अब तक के सबसे ज्यादा 8,000 के मरीज सामने आए हैं, कोरोना के कुल मामले 2,38,000 से ज्यादा। राजस्थान में विधायकों की खरीद फरोख्त के मामले में घिरे बीजेपी नेता भरत मालानी और अशोक सिंह गिरफ्तार। राजस्थान स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप टीम को फोन के सर्विलांस से मिला सुराग, बीजेपी की पसंद के बनाए जाने थे मुख्यमंत्री। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने किए सोमनाथ मंदिर के दर्शन, परिवार के साथ किया भोले शंकर का पूजन। भारी बारिश की वजह से दीव मुंबई फ्लाइट रद्द, यात्री हुए परेशान। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में शादी बनी कोरोना बॉम्ब, शगुन समारोह में शामिल 13 मेहमानों के पॉजिटिव होने के बाद हड़कंप। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का ऐलान, राज्य की यूनिवर्सिटी की सभी परीक्षाएं होंगी रद्द।
किसी भी सेमेस्टर की नहीं होगी परीक्षा, सभी यूनिवर्सिटी को बच्चों को प्रमोट करने का दिया गया आदेश। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखी चिट्ठी, सरकार ने स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए लिया है फैसला। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ग्वालियर मोती महल पहुंचे, कोरोना नियंत्रण के कार्यों की समीक्षा। कोरोना पर नियंत्रण के लिए बने स्मार्ट सिटी कमांड सेंटर का किया निरीक्षण, बड़े अधिकारी भी साथ। यूपी में 55 घंटे का लॉकडाउन, जरूरी सेवाओं पर पाबंदी नहीं। यूपी में लॉकडाउन से दिल्ली बॉर्डर पर सुरक्षा सख्त, बिना पास आवाजाही पर पाबंदी। नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर सुबह सुबह गाड़ियों की लगी थी लंबी लाइन, बिना पास एंट्री की इजाजत नहीं। गाड़ियों में दो से ज्यादा बैठे हुए लोगों को भी ताकीद, सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ा रही है पुलिस। दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर भी सख्ती, नोएडा और गाजियाबाद में आ रही गाड़ियों को पुलिस ने रोका। वाराणसी में भी पुलिस सड़कों पर सख्ती दिखा रही, बेपरवाहों की खैर नहीं पूछताछ। लॉकडाउन खुले रहेंगे धार्मिक स्थल, लॉकडाउन में डोर स्टेप डिलीवरी पर भी रोक नहीं है। कल रात 10 बजे से शुरू हुआ लॉकडाउन सोमवार सुबह 5 बजे तक रहेगा जारी। मुरादाबाद में कोतवाली पुलिस स्टेशन के पास सख्ती, हर आने जाने वालों की तलाश। उत्तर प्रदेश में भी बढ़ी संक्रमितों की संख्या, कुल मामले 33,000 से ज्यादा, 889 लोगों की मौत। मुंबई के बोरीवली में एक शॉपिंग सेंटर में लगी आग, चारों तरफ धुआं ही धुआं। इंद्रप्रस्थ शॉपिंग सेंटर में ज्यादातर है मोबाइल की दुकानें, दो मोबाइल की दुकानें पूरी तरह आग की चपेट में। 18 दमकल की गाड़ियां मौके पर, बेसमेंट में आग की वजह से फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों के लिए पहुंचना हुआ मुश्किल। आग बुझाने में रोबोट की ली जा रही है मदद, रात 3 बजे से लगी हुई है आग। बिहार के सासाराम में तालाब में डूबने से 4 बच्चों की मौत, चारों बच्चे थे एक ही परिवार से। चमोली ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग लामबगड़ में कल देर शाम से बंद, जगह जगह चट्टाने खिसकी। बार बार दरक रहे हैं पहाड़, आईटीबीपी की मदद से बन रहा है बाईपास। पठानकोट में तेज हवा के साथ बारिश, हाईवे पर कई जगह गिर गए बड़े बड़े पेड़। बिहार के मुजफ्फरपुर में 2 दिन से भारी बरसात, निचले इलाकों में भरा पानी। बागमती नदी में पानी भरने से पीपा पुल पर भरा पानी, गाड़ियों का आना जाना बंद। नेपाल में भारी बारिश से कोसी नदी उफान पर, बिहार के कई जिले प्रभावित, सुपौल में बाढ़ जैसे हालात। असम के चिरांग जिले में लगातार बारिश से बाढ़, सैकड़ों एकड़ में खड़ी फसल तबाह। गाजियाबाद में भी जोरदार बारिश, सड़कों पर पानी जमा। अकोला में भारी बारिश से हालात खराब, कई सरकारी बंगलों में पानी घुसा। बेंगलुरु में 6 साल का बच्चा खुले नाले में गिरा, नाले के किनारे खेलते वक्त हुआ हादसा। असम में भारी बारिश के बाद रिंग बांध टूटा, कई गांवों में घुस गया पानी। शिवहर में बाढ़ की वजह से सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां की गई रद्द, डीएम ने नाव की मदद से लिया प्रभावित इलाकों का जायजा। अरुणाचल पर बारिश के साथ लैंडस्लाइड की मार, 4 लोगों की मौत। पिथौरागढ़ में नाले के तेज बहाव में बह गई कार, कार सवार 2 लोगों को स्थानीय लोगों ने बचाया। दिल्ली में मौसम में बदलाव के बाद झमाझम बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। मेंढर में दुकान में फंसा फटा सिलेंडर, 3 युवक जख्मी हो गए। जोधपुर के अस्पताल में कोरोना मरीजों को इलाज देने में लापरवाही, नाराज मरीजों ने गेट पर लगे शीशे तोड़ दिए। अरुणाचल में भारी बारिश से कई जगह बाढ़, सीबो कोरोंग में पानी में फंसे पति पत्नी को डिजास्टर टीम ने बचा लिया। बुलढाणा में ससुराल वालों की पिटाई से खफा युवक, केस दर्ज करने की मांग को लेकर 200 फुट ऊंचे टावर पर चढ़ा। फतेहाबाद में पीट पीट कर युवक के कत्ल के 2 आरोपी गिरफ्तार, वारदात में इस्तेमाल हथियार और कार बरामद। नॉर्थ 24 परगना में बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह पुलिस से उलझे, एक कार्यकर्ता को घसीटे जाने पर विवाद। दरभंगा में रेप के बाद लड़की की हत्या, इंसाफ के लिए भीम आर्मी का प्रदर्शन। दिल्ली के मायापुरी में कई गोदाम सील, एनजीटी के आदेश के बाद भी कार्रवाई। नोएडा में चोरी के 2.5 करोड़ के मोबाइल पार्ट्स बरामद किए गए हैं, ट्रक के ड्राइवर ने साथियों के साथ मिलकर माल को चुराया था।
पटना में बीवी की हत्या कराने वाला पति गिरफ्तार, अवैध संबंधों का विरोध करने पर सुपारी किलर से करवाया मर्डर। सीतामढ़ी में लूटपाट के दौरान कत्ल, सीसीटीवी में कैद वारदात। जोधपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में घोटाला, 3 साल तक फर्जी कागजों के दम पर निकाला पैसा। सुपौल में हथियारों के दम पर करीब 6 लाख की लूट, विरोध करने पर बदमाशों ने मारी गोली। चमोली में आदमपुर तेंदुए को मार डाला, 2 मासूम बच्चों को बना चुका था अपना शिकार। रायबरेली में तेज रफ्तार कार ने 5 को रौंदा, सड़क पर सामान बेचने वालों पर टूटा कहर। देवरिया में महिला की सिर कटी लाश बरामद होने से सनसनी, अब तक नहीं हो पाई है शिनाख्त। ठाणे में खाली गैस सिलेंडर ले जा रहा ट्रक पलटा, हाईवे पर थम गया ट्रैफिक। हुगली में एक थाना सील, कोरोना का मामला सामने आने के बाद की गई कार्रवाई। गया भाजपा नेता की गोली मारकर हत्या, नाराज लोगों ने 3 घंटे तक लगाया जाम। सिलीगुड़ी में बिना मास्क लगाए घर से निकले लोगों पर सख्ती, 2 घंटे तक खड़े रहने की सजा। चीन से कोरोना फैलने की जांच तेज, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक और टीम जांच के लिए चीन रवाना की। चीन के कई इलाकों में भारी बारिश के बाद बाढ़, सैकड़ों लोग बाढ़ में फंस गए। अमेरिका में समुद्री तूफान ने पकड़ी रफ्तार, आज तट से टकरा सकता है। कोरोना वायरस पर विश्व स्वास्थ्य संगठन की राय, पूरी तरह खात्मा होने की संभावना नहीं। अमेरिका में छात्रों को लेकर नई पॉलिसी पर अंदरूनी घमासान, कैलिफोर्निया संघीय सरकार पर दर्ज करेगा केस।